ले आओ, आगे ले नहीं। तो ये बच्ची, खुदा तुझे ब्लेस करे बहुत सारा, ये खुदा की दास। पास खड़े करके दोनों को दो, ठीक है, पास हो जाते हैं। आमीन। सब चीजें सिखानी पड़ती है ना। तो धन्यवाद। ये गवाही के बारे में बताते हैं, आ जाओ थोड़ा सा आगे, आ जाओ यहाँ खड़े जाओ। ये परिवार वही है जिसकी मैं बात कर रहा था जब मैं एवेंजलिस्ट था। तो ये चीज, वही गवाही जो मैं बता रहा था, ये परिवार है। वो 12 साल लगभग इतना होगा ये प्रभु में आए। तो अभी जैसे ये वही परिवार है जब मैं एवेंजलिस्ट था, काम ठेकेदार था, और ठेकेदारी के साथ साथ लोगों को गुड न्यूज देने जाता था। आप करोगे ऐसा? करो खुदा के लिए, मैं करता था, ठीक है। बड़ा मजा आता था मुझे लोगों की रूह बचाकर, मुझे पता चल गया ना सच्चाई। तो उस समय ये फैमिली हिंदू फैमिली है, जो ब्राह्मण बोलते लोग, ब्राह्मण पंडित लोग ऐसे उनमें से। लेकिन जब ये आ गए, हालातों में थे, बहुत हालातों में, परेशान जिंदगी थी इनकी। ये एक डेरे के साथ जुड़े थे 18 साल। इतनी भक्ति की, इतनी सेवा की इन्होंने, इतनी ज्यादा के आप लोग तो संगति में आते बरकत लेने 12-1 बजे, ये लोग सुबह 6 बजे 5 बजे चल जाते थे वहां। करके भी कुछ नहीं मिला, यहां तो मिलता है सब कुछ परमेश्वर से। तुम लोग इस पर कदर नहीं करते उतनी अच्छे से। लेकिन ये चलने लगे, अच्छी चीजें होने लगी। उसके बाद इनके इनके इनका काफी सिस्टम दिल्ली में भी था, रिश्तेदार। फिर इनका वहां जाना हो गया, पंजाब से चले गए ये लोग। और वहां पर तब ये बड़ी छोटी सी थी, ये लड़की 12 साल पहले छोटी सी थी, ठीक है। तब से लेकर ये जुड़े, देखो कितने अच्छे से जुड़े हैं। और ये परमेश्वर की बच्ची दिल्ली में ऐसे सुसमाचार देती है, संगति करती है, मतलब जैसे मतलब चाहती है कि मैं खुदा का बड़ा काम करूं ना, ठीक है। हमारे साथ जुड़ी है, हम गाइड करते नहीं। तो ये बच्ची पढ़ रही थी और ये चाहती थी बड़ी डिग्री लेना, बड़ी डिग्री, ठीक है। पैसा भी नहीं था, बिजनेस भी नहीं था, और कैसे करके इनके जो हस्बैंड है वो भी इधर उधर हो गए, अलग हो गए इनसे, तो ये अकेली रह गई अपने बच्चों के साथ। लेकिन इस कंडीशन में ये तो काम भी नहीं कर रहे खुद, ये बच्ची परमेश्वर की, कैसे घर चलेगा ना। तो ये ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई करती थी, और ये भी प्राइवेट पढ़ता था, इसका भाई कुछ जॉब करके मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, और घर भी चलाना था सब कुछ। अच्छा, इस बीच में ये लोग, ये रब की बच्ची, ये क्या करती थी, इसके पैसे उसके पैसे का जितना दशमांश बनता था वो बड़ी वफादारी से बोती थी। सोचो, कुछ लोग तो कहेंगे इतना हालात है कैसे पूरा होगा ना, लेकिन ये लोग करते थे, इनको पता था ये नियम सच्चा है, ये बरकत देता है। अब देखो, जानते ही ये क्या बन गई, मतलब कौन सी डिग्री इसको मिल गई, और डिग्री लेकर ये क्या, अब इसके पास पदवी है उस डिग्री को लेकर, ये CA बन गई है, CA। सोचो, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि यहां के जुड़े हुए जो लोग हैं, आप बड़े पद पर होंगे, आपके बच्चे IPS ऑफिसर बनेंगे, जज बनेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होंगे। तो ये बच्ची CA बनी है डिग्री लेकर, और ये गवाही देने का बड़ा विषय है, गरीबी में पैसा नहीं है, घर में सपोर्ट नहीं है, लेकिन खुदा की ग्रेस से बनी है। ये अनुग्रह है, ये बड़ा अनुग्रह क्या है ये? तो अब हमें बड़ी जरूरत थी CA की, क्या थी, हम हमारी मिनिस्ट्री का भी ये काम करेंगे ना, और भी कई काम करवाएंगे, परमेश्वर इसको बहुत आगे लेकर जाएगा। सोच कर देखो, ये बड़ा टफ होता है बनना CA, बहुत कठिन पढ़ाई है ये मैथमेटिक्स की। पहली बार में इसने एग्जाम में पास होकर ये CA बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसकी, और वो भी ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर। सोचो, पढ़ाई की अपनी पूरी, इतनी बड़ी पदवी को हासिल किया, और ये पूरी पूरी ग्रेस,
किसकी है ये? इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आप और देखोगे, आप इतनी बड़ी आशीष है। तो आप परमेश्वर आपका नाम रोशन करेगा। हर तरह की वो घटी जो रहकर आपने वचन पूरा किया वो सारी पूरी करेगा। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, इस बेटी को आपने बड़ी पदवी दी है, इसे आपने सीए बनाया इतनी बड़ी पोस्ट पर। खुदावंद इसे ब्लेस करता हूँ, ये ऊंचा 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 जाएगी, बहुत सारा इसे ब्लेस करोगे, हर तरह की आशीष दोगे। खुदावंद ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। ये परिवार तेरे लिए जी चुका है, हजारों रूहें भी बचा चुका है, ऐसी आशीष इन पर ठहर चुकी है। आमेन। तो ये ग्रेस आ चुकी है, आंसू आ रहे हैं आत्मिक आंसू खुशी के, क्योंकि खुदा ने बड़ा ब्लेस किया है। ये इनके साथ आए दिल्ली में, जो वहाँ ये बिलीवर्स हैं वो इनकी सिस्टर है, सबसे प्रेशर करवा रहा हूँ इंट्रोडक्शंस। तो ये चीज़ें आपके साथ भी होनी है, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो, तारीफ 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 जोर से। मैं भी नाचता हूं, आप बजाओ, उधर से नाचा नहीं जा रहा है, खुशी से। ये क्या हो रहा है? अच्छा उनको भी दे दो भाई, इनकी खुशी बड़ी है, इसलिए मैं सर के सामने मिठाई खाऊंगा। आमेन। इधर डाल लो आकर, हाँ उनकी खुशी है, हाथ डालना चाहते हैं डाल सकते हो, ले आओ सामने सबके, ऑनलाइन भी। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है, ठीक है? बहुत बड़ी बरकत, बहुत आगे लेकर जा चुका है, ठीक है? इसने भी ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन होगी तेरी, अब क्या करेगा? कनाडा जाना है, परमेश्वर तुझे लेकर जा चुका है। आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहां आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे नए चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास तरन तारन रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।